चले लास्ट राउंड में हम लोगों ने बेसिस की डेफिनेशन पढ़ ली थी। बेसिस कौन होंगे जो आपके एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस देंगे, ये आपको पता लग गया था। अलावा इसके आप देखेंगे बेसिस की छोटी मोटी जनरल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, और वही एसिड और बेस का एक रफली कंपैरिजन ये भी हमने लास्ट राउंड में पढ़ लिया था। कुछ एक चीज़ें आपको याद दिला देता हूँ वापस, जैसे आपने एसिड्स के लिए कहा था जो आपकी होंगी स्टोर इन टेस्ट, बेसिस आपकी कौन सी होंगी जो आप मान के चल रहे थे बिटर इन टेस्ट। इसके बाद आपने कहा था एसिड्स की सारी प्रॉपर्टीज काय के बेसिस पे होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द एच पॉजिटिव आयन। बेसिस की प्रॉपर्टीज काय के बेसिस पर थी OH नेगेटिव आयन्स। फिर आपको मालूम था एसिड्स क्या काम करती हैं, एसिड्स जो है ब्लू लिटमस को कर देती हैं रेड, जबकि आपकी बेसिस क्या काम करती हैं, ये कन्वर्ट करती हैं रेड लिटमस को ब्लू में। तो ये मैंने कहा सारी चीज़ें हम लोग दो दो बार डिस्कस कर चुके हैं, टेबल मैंने एक बार इसलिए दोबारा से रीओपन कर ली जहाँ छोड़ा था ताकि आपको हल्का सा याद आ जाए। फिर एक आध चीज़ और हमने ली थी, जैसे आपसे कहा था एक्वस सॉल्यूशन इनके भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और इनके भी एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। रीज़न आपको मालूम था क्योंकि इसमें आपको पार मिलते हैं एच पॉजिटिव आयन्स और इसमें आपको मिलते हैं एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन्स, और ये आपके लिए वो नेल्स वाला इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड कैथोड वाला एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने चर्चा की थी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का रीजन ही है प्रेजेंस ऑफ आयंस। इसी टाइप से आपकी कुछ प्रॉपर्टीज देती है, जैसे एसिडिक प्रॉपर्टीज डिसअपीयर हो जाती हैं जब आप बेसिस से रिएक्ट करते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। अभी ये दोबारा डिटेल में आ जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन आपसे कहा था जब एसिड बेस या बेस टू एसिड आप रिएक्ट करेंगे दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी को खत्म कर देंगे, ये न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा। फर्दर मैंने कहा था कोरोसिव टू स्किन है, ये भी आपकी कोरोसिव टू स्किन होंगी। लास्ट एक पॉइंट पर हम अटके थे और ये था आपका पीएच वैल्यू इज लेस देन 7 और पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7। इस पे हमने कहा था अब हम अगले टर्न से चर्चा शुरू करेंगे और ज्यादा ध्यान दें कुछ उसके पहले आपको बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बता दिए हैं, और बेसिस की जो आप केमिकल प्रॉपर्टीज लेते हैं उनको देख लें एक बार ध्यान से। बेसिस की प्रॉपर्टी ध्यान देखना, जनरली हमें मान के चलते हैं कि एसिड्स आपकी मेटल्स से रिएक्ट करती थी, आपको मालूम है एसिड और मेटल की फेमस रिएक्शन क्या थी कि जब आपकी कोई भी एसिड मेटल से रिएक्ट करेगी तो एटल में एसिड और मेटल की रिएक्शन से आपको क्या मिलता था, एसिड प्लस मेटल बराबर में आपका आता था सॉल्ट और प्लस आपकी निकलती थी हाइड्रोजन गैस। ये मैंने कहा आपको याद था, इस रिएक्शन को हमने 3-4 बार एक्सप्लेन किया हुआ है। अब एक सवाल आता है बेसिस की रिएक्शन आपकी मेटल्स से क्या होगी, तो बेसिस में आप ध्यान रखना जनरली बेसिस आपकी मेटल्स से रिएक्ट नहीं करते हैं। आई रिपीट, बेस जो है आपके वो मेटल्स से रिएक्ट नहीं करते हैं, केवल और केवल बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगी, तो याद है रिएक्टिविटी टेबल आप पढ़ चुके हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर के जो आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है दीज विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब रिएक्टिविटी सीरीज भी सबको समझ में आ चुकी है, केवल ये दो आपके जो है कुछ तीन खास मेटल्स से रिएक्ट करते हैं, और तीन खास मेटल्स कौन सी हुई ध्यान देखना जो एक्सेप्शन है। ये आपका आता है जिंक, एक आती है आपकी टिन, और जिंक और मैंने थोड़ा नीचे का लूं चमक ले रहा है ना, जिंक के बाद मैंने कहा दूसरी कौन सी आती है टिन, और एक आती है आपकी एल्यूमिनियम। इन दोनों के साथ, इन तीनों के साथ जो आप बेसिस पे जाएंगे, और हर बेस नहीं मैंने कहा केवल दो स्पेशल पोटेशियम और सोडियम का हाइड्रोक्साइड, ये इनके साथ एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाते हैं जिंकेट स्टेनेट। स्टेनेट याद है इसको, स्टेनेट क्यों कह रहा हूं, हाँ टिन का याद होगा, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, स्टेनम था लैटिन में नाम, तो इसलिए स्टेनेट, और इसके साथ बनेगा तो ये कहलाएगा एलिमिनेट। आओ इसकी रिएक्शन दिखा देता हूं कि पहले की आराम से देखो, जिंक वाले ले लेते हैं, Zn आपका काय से रिएक्ट कर रहा है NaOH से, और जब जिंक NaOH से जा रहा है ये रिएक्शन NaOH के साथ ट्रू है, और या फिर किसके साथ हो सकती है, मैं ऑप्शनल भी बता देता हूं, ऑप्शनल हो सकती है QH एक्वस के साथ। तो चलो एक्वस सॉल्यूशन हम लेंगे, वो तो आप पढ़ ही चुके हैं, बेस या एसिड अपना एसिडिक या बेसिक बिहेवियर या नेचर तभी एग्जिबिट करेंगे व्हेन दीज आर इन टेकन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस पे मान चले लिखा ही होगा, तो मैंने कहा जिंक आपका या तो NaOH या QH से अगर रिएक्ट करेगा देन इट विल मेक अ कॉम्प्लेक्स आयन, और ये कॉम्प्लेक्स आयन
ये आपका जो लिखा है मैं और स्पष्ट लिख देता हूं, यहाँ पर ये है आपका Na2 और साथ में आपका ZnO2, ये आपके कहलाता है सोडियम जिंकेट। और ऐसे अगर मान के चले आप ये रिएक्शन कर रहे हो विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो अंदाज लग रहा होगा सोडियम की जगह आप पास कौन सा प्रेजेंट होगा, दैट विल बी पोटेशियम। और ये आपका बनेगा सेम यही फॉर्मूला, अब की बार K2 और बाकी दिख ही रहा है आपको, बाकी बन जाएगा ZnO2। बाकी बगल में मैंने कहा सॉल्ट है, तो सॉल्ट के साथ पानी वो तो सॉरी पानी कह रहा हूं हाइड्रोजन, जो आपकी इधर थी, और ये मैंने कहा प्लस आपकी ये निकलेगी हाइड्रोजन, तो चलो इसको तो निकलने दो। मेन समझ में आता है अगर आप जिंक ले रहे हैं तो मैंने कहा कौन सा हाइड्रोक्साइड, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। याद रखिएगा तीन स्पेसिफिक रिएक्शन से ये आपके लिए पूछी जाती हैं, और अभी इनको आगे भी बताऊंगा। इन ऑक्साइड्स के लिए बहुत खास चीज मेटलिक ऑक्साइड जब आप बात करेंगे तब फिर हम आगे अगले चैप्टर में इन्हीं तीन रिएक्शंस को दोबारा लेंगे। ये तीनों रिएक्शंस जो है आपकी दोबारा रिपीट की जाएंगे अगले चैप्टर में एक बार फिर, समझ आ रहा है? इसलिए अगर यहाँ से आपने हल्का सा सीख लिया तो वहाँ रिपीट हो गया आपको प्रॉपर याद भी हो जाएंगी। ऐसे आप देखेंगे दूसरा मैंने कहा मान के चले आप लेते हैं टिन, जैसे मैंने कहा था जिंक क्या कर रहा है सोडियम जिंकेट बना रहा है, ऐसे टिन भी आपका काय से रिएक्ट कर जाएगा NaOH से, या मान चले दूसरा ऑप्शन दे देता हूँ इट कैन रिएक्ट विद द KOH ऑल्सो। और KOH मैंने कहा हम कैसा ले रहे हैं बस अभी मैं बैलेंस नहीं कर रहा इसलिए मैंने 2 नहीं अप्लाई किया, ये तो केवल दिखा रहा हूँ। अगर KOH अगर आप NaOH उठाते हैं तो यहाँ पर जो बन रहा है ये Na2SnO2, और ऐसे अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उठाएंगे तो जो बनेगा वो मैं लिख देता हूँ ये होगा K2SN, वो दिख रहा है 10O2, और प्लस आपकी निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस। अब आपको सोडियम जिंकेट और सोडियम स्टेनेट दोनों के फॉर्मूले आपको समझ में आ जाएंगे। ये आपका होगा Na2ZnO2, ये आपका Na2SnO2, तो ZnO2 या SnO2 जिंकेट या स्टेनेट ये फॉर्म करते हैं अगर आप सोडियम का हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं और अगर आप पोटेशियम का ले रहे हैं। इन दैट केस द कंपाउंड विल कन्वर्ट इनटू आइदर पोटेशियम जिंकेट और इनटू पोटेशियम स्टेनेट, एक तो ये याद रखेंगे। सेम आप देखना मैंने कहा था यही रिएक्शन किसके साथ होती है एल्यूमिनियम के साथ, और एल्यूमिनियम के साथ हम यहाँ पर फॉर्म करते हैं एल्यूमिनेट। और हल्का सा मैं ऊपर लेता हूँ तो आपको ये रिएक्शन बिल्कुल साफ नजर आने लगेगी। एल्यूमिनियम आपका क्या चीज बनाएगा भाई, एल्यूमिनियम NaOH ये आपका बनाते हैं ना देखने NaAlO2 जो लिखा हुआ है, मैं इसको और बड़ा लिख देता हूँ कि जो देखने दिक्कत आ रही हो, ये NaAlO2। और इसी टाइप से अगर मान चले यही रिएक्शन में सपोज करें मैं काय के साथ लिख रहा होता पोटेशियम के साथ, तो पोटेशियम के साथ यही रिएक्शन आएगी, देखें मैं विद बैलेंसिंग लिख देता हूँ, ये आपका आएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपको मालूम है सॉलिड फॉर्म है, चलो पेन और अच्छा लेते हैं ताकि आप देखें, प्लस ये आपका होगा 2 NaOH हमने ले लिया, आपकी बार आपको रिएक्शन लेनी थी KOH से, जो आप रिएक्शन लेंगे ये रिएक्शन हो गई आपकी और KOH कैसा लेना है ये हमेशा होगा एक्वस। एक्वस क्यों होगा ये आपको मालूम है, क्योंकि आप लिखें या नहीं लिखें आपको मालूम है पोटेशियम या सोडियम या जो भी हाइड्रोक्साइड या एसिड्स हैं यानी जो भी एसिड या बेस हैं अपनी प्रॉपर्टीज तभी शो करेंगे जब वो कैसे होंगे विन वाटर होंगे। इस रिएक्शन में बैलेंसिंग के लिए आप देखें अलग से पानी और भी लिख दिया जाता है, और बैलेंस करोगे तो यहाँ पर आपको मौजूद रहेगा 2, तो बैलेंसिंग मैंने इसी इक्वेशन से कॉपी कर ली, मैं बैलेंसिंग में टाइम खराब नहीं कर रहा। मेन क्या हुआ एल्यूमिनियम ने रिएक्शन किया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, और थोड़ा ऊपर लेते हैं दिखना चाहिए आप बिल्कुल क्लियर कट, जैसे एल्यूमिनियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा जैसे यहाँ पर आपका बन रहा था सोडियम एल्यूमिनेट, इन द सेम पैटर्न यू विल गेट पोटेशियम एल्यूमिनेट। पोटेशियम एल्यूमिनेट बोले तो KLaO2 ये आपका होगा एलिमिनेट, और एक्वस होगा क्योंकि मालूम ही है पानी है, और प्लस हर बार की तरह आपकी निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस। अब
तीन नाम जो मैंने कहा था आप याद रखेंगे, कौन कौन से नाम याद रखेंगे, एक आपका सोडियम जिंकेट फॉर्म होगा, एक आपको मैंने कहा स्टेनेट फॉर्म होगा, या फिर जो मैं कह रहा था सोडियम या पोटेशियम जो भी हाइड्रोक्साइड ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग एलिमिनेट फॉर्म होंगे। तो तीन खास मेटल्स की रिएक्शन याद रखेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने वाली एलिमिनेट, जिंकेट और स्टेनेट। और इसीलिए आपके लिए कहा है ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, सारी मेटल्स रिएक्ट नहीं करती। यहां से मैंने स्टार्ट ही किया था, मैंने कहा था बेसिस मेटल एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करती है लेकिन बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करती, केवल दो सबसे टॉप मोस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोक्साइड सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वो भी सबसे नहीं कर पाएंगे, वो भी केवल तीन से रिएक्ट कर पाते हैं। इसलिए ये रिएक्शन मैंने कहा एक एक्सेप्शन में आती है, एडिशनल आती है, तो इसको आप याद रखेंगे। अब कोई समस्या हो तो मुझे बताएं, फुर्ती से कि चेंज करूं। कोई समस्या जनरली नहीं? नो सर। ठीक, फिर इसके बाद एक पढ़ते हैं, अगली चीज ध्यान देखना। अब चूंकि तुम्हें ऐसा मालूम है हाइड्रोक्साइड किसके होते हैं, हाइड्रोक्साइड होते हैं मेटल्स के, जैसे हमने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सब मेटलिक कंपाउंड है, और अगर मेटलिक कंपाउंड है तो मेटल्स किससे रिएक्ट करती हैं, तो मालूम है मेटल रिएक्ट करती हैं नॉन मेटल्स से, और नॉन मेटल्स से रिएक्ट करती हैं तो बेसिस की रिएक्शन हम एक इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन चेक करते हैं जो आपकी आती है विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटलिक ऑक्साइड समझ आ रहे हैं, नॉन मेटल से याद है, मेटल से याद है सेवेंथ ईयर में पढ़ते हो, मेटल्स होती हैं आपकी सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम जिंक, ये सब मेटल्स कहलाती हैं। नॉन मेटल कौन से होंगी, जैसे कार्बन क्लोरीन फॉस्फोरस, ये सब आप देखेंगे ये क्या होते हैं आपके, ये नॉन मेटल्स हैं। जैसे नॉन मेटलिक ऑक्साइड में सबसे फेमस ऑक्साइड आपको एटलीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड तो मालूम ही है ना, नॉन मेटल कार्बन है उसकी ऑक्साइड कम से कम एक तो आपको मालूम होगी। इनके साथ जब भी रिएक्ट करोगे तो बेसेस इनके साथ मजे से रिएक्ट करेंगी, और बेसेस इनके साथ रिएक्ट करके जो भी है वो इनके साथ बना लेंगी सॉल्ट। जैसे सॉल्ट के तौर पर आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड, तुम्हें याद हो अगर एसिड वाली रिएक्शन कार्बोनेट टूट के कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाता था, यहाँ इससे रिएक्शन कर रहे हो तो दिख रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में स्टोर होगी, कौन सा सॉल्ट बनेगा, तो अपने आप अंदाज लग जाता है दैट विल बी कार्बोनेट। ऐसी अगर आप सल्फर की ऑक्साइड लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड या ऐसी, उसका जो कंपाउंड बन के आएगा वो कौन सा होगा, सल्फेट। नाइट्रोजन की ऑक्साइड उठाएंगे तो बन के आएगा नाइट्रेट। अब ध्यान देखें ये सिंपल सी चीज, पहले इसको एक बार देख लो, ये आपसे क्या कहता हुआ जाता है, ये कहता है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स बट बेसिस रिएक्ट विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करती थी, ये किसके ऑक्साइड से रिएक्ट कर रही है, नॉन मेटल से। इसने कहा था एसिड्स अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आपको बेसिस बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी, क्या फॉर्म करती है भाई, सॉल्ट एंड वाटर। अब देखते हैं ध्यान से, क्या आपको जनरल इक्वेशन क्या होगी, नॉन मेटल ऑक्साइड किससे रिएक्ट करेगी, बेस से। रिजल्ट के तौर पे आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर, दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो आपको मालूम है एसिड और बेस में जो रिएक्शन होती है, बदले में आपका बन रहा था सॉल्ट एंड वाटर, उसके जस्ट सेम है न्यूट्रलाइजेशन। अभी हम अलग से एक बार फिर डिटेल में डिस्कस कर देंगे। Thus the reaction between bases and metal oxide is a kind of neutralization reaction. ये एक तरह से neutralization reaction ही मानी जाती है। और जरा देखो, अगर हम जो बात कर रहे थे, मैंने कहा था अगर कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड या इनसे रिएक्ट करोगे क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बोनेट, सल्फर डाइऑक्साइड में, इतनी केमिस्ट्री पढ़ी है, अब इन लैंग्वेजेस का अंदाज लग जाता है, क्योंकि आयंस मैंने कहा हम सारे नाम सुन चुके हैं। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फेट बनेगा, नाइट्रोजन की ऑक्साइड से नाइट्रेट बनेगा, फॉस्फोरस की ऑक्साइड से फॉस्फेट बन जाएगा। और चेक कर लेते हैं कोई सी एक दो रिएक्शन, जैसे 2NaOH प्लस CO2 गैस, अगर हम ये मान के चलें कि आपका जो है इस रिएक्शन में ये इम्बेल फॉर्मूला गलत लिखा, इसको सही कर लीजिएगा अपनी शीट में, क्योंकि आपको मालूम, चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। सपोज करें ये आपकी रिएक्शन आती है और कैसा NaH लोगे, अब मालूम ही है एक्वस लोगे, प्लस आप रिएक्ट कर रहे होंगे CO2 से। एक रिएक्शन दिखाते हैं केवल एक ही आप समझ लें,
क्या बनाएगा? तो आलम है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक ही फॉर्मूला बन सकता है, वो होगा सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट जाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको मालूम है, दैट विल बी Na2CO3 बिकॉज द वैलेंसी ऑफ द कार्बोनेट आयन इज 2-। तो 2 इधर और 1 उधर, यानी क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट। इसने कहा था इसको आप जो है इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका मिसप्रिंट है, तो इसको हमने कहा इस टाइपिंग एरर को आप अपनी शीट में सुधार लेंगे। प्लस यहाँ देखना, ये तो बन गया आपका सोडियम कार्बोनेट, ये तो दिख रहा है ये सोडियम और कार्बोनेट ही बन गए। OH किस फॉर्म में फ्री होगा? OH आपका जो है किस फॉर्म में फ्री होता है? प्लस साथ में निकल आता है H2O, यानी क्या क्या बन गया है? अगर आप ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा, एक आपके पास बना है सॉल्ट, और प्लस दिख रहा होगा आपके पास क्या बन रहा है? वाटर, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। कोई और रिएक्शन ले लें, आपको लगता है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, हम सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे, तो सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बनेगा? अंदाज कर लो, सल्फर से सल्फेट बनेगा। चेक कर सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कर रहा है सल्फेट से, देखें ध्यान से, आपको ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड से करोगे तो कार्बोनेट, और भी मैंने कहा नाइट्रोजन और इन सब के ऑक्साइड से करेंगे तो उन्हीं के करस्पॉन्डिंग आपके बन जाते हैं। क्या क्लियर है? कोई रिएक्शन इसमें दिक्कत तो नहीं? हाँ या ना बताएं, बोले वाल को। नेक्स्ट मैंने कहा था एक रिएक्शन आएगी न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन आपको याद होगा, हम पिछले एक दो टर्न से एक दो बार डिस्कस कर चुके हैं। न्यूट्रलाइजेशन मैंने कहा था, क्या कहा था? एसिड और बेस एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। अब पर्टिकुलर इसी को डिटेल में लेते हैं, हल्का सा इसी को पर्टिकुलर डिटेल में लोगे तो चलो यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम इसको लें तो आपका जो मैंने कहा एसिड और बेस अगर एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, क्या आपको ध्यान है एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज आपकी काय की वजह से होती है? एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एच एंड ओ एच आयंस। यानी अगर यहाँ पर मैं लूँ एक सिंपल चीज, देखो ध्यान, सबसे आसान एसिड और सबसे आसान बेस लेता हूँ, ये आप ले लें NaOH और प्लस आप ले लें HCl। जैसे आप NaOH और HCl लेते हैं, मैंने कहा बेस की सारी प्रॉपर्टीज OH की वजह से हैं और एसिड की प्रॉपर्टी आपकी H की वजह से है। आप ध्यान देखना, यहाँ पर जो चीज बनेगी आपका Na और Cl, यहाँ पर बनता है एक सॉल्ट, और अगर ध्यान से देखो तो यहाँ बन जाता है पानी, यानी कि H2O। तुम कहोगे H2O कैसे बन रहा है? क्योंकि ध्यान देखो H2O का मतलब ही है H और OH, तो बहुत अच्छे से मालूम है H पॉजिटिव आयंस थे, OH नेगेटिव आयंस थे, इनकी वजह से एसिडिक प्रॉपर्टीज थी, इनकी वजह से बेसिक है दोनों। जब ये कंबाइन होंगे NaCl तो इधर बन गया, H और OH ये पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे होंगे, एक दूसरे का असर खत्म कर देंगे। इसीलिए मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, किस फॉर्म में? एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। हकीकत में क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे, यानी कि पानी। और इसीलिए इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब यह है कि एसिड और बेस ने एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को खत्म कर दिया। कोई दिक्कत? ठीक, तो ये समझ में आता है। अब एक नेक्स्ट देखें जरा डेफिनेशन, हम इसकी पढ़ते हुए जाए। डेफिनेशन आपसे कहती है न्यूट्रलाइजेशन, इट मे बी डिफाइंड एज अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ये एक रिएक्शन के तौर पर डिफाइन की जा सकती है, किसके बीच में? एसिड और बेस के बीच में, जिसमें आपका क्या बनेगा? टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जिसमें आपके पानी और नमक, तो नमक से हमारा मतलब NaCl यानी कॉमन सॉल्ट से नहीं है, नमक यानी कोई सा भी सॉल्ट जो आपका बने। एक ये सिंपल सी रिएक्शन दिखाई रहा था HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH लोगे तो मैंने कहा क्या होगा? ये आपका H और ये आपका OH, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, दे विल फॉर्म द HOH, और HOH का मतलब एक्चुअली होगा आपके लिए H2O। बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन इज द कॉम्बिनेशन बिटवीन, यही कहेगा, H पॉजिटिव आयंस ऑफ द एसिड विद OH नेगेटिव आयंस ऑफ द बेस टू फॉर्म H2O। यही आपका बेसिक था कि H और OH एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके फॉर्म कर लेते हैं वाटर। और एक आधा एग्जाम्पल देख लें, फॉर एग्जाम्पल ध्यान देखें, पूरा डिटेल कर दिया, HCl मतलब H और पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, NaOH मतलब Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, यही चीज समझा रहा था, डायरेक्ट समझा दी थी,
इसको टुकड़ों में तोड़ के लिख दिया, किसी को ना समझ में आए कौन कौन इकट्ठे हो रहे हैं। देखो ध्यान से, मैं येलो कर देता हूँ, एक OH नेगेटिव और एक आपका इसका H पॉजिटिव, एसिड का H पॉजिटिव चला गया, बेस का OH नेगेटिव चला गया, ये अलग भाग गए। दूसरा ध्यान देखना, ऐसे ही जो बचे हुए नेगेटिव है, कौन से बचे हुए नेगेटिव, एक Cl नेगेटिव और एक Na पॉजिटिव, ये एक बन जाएंगे, सॉल्ट बन जाएगा, Na प्लस Cl वाले में NaCl हो जाएगा और प्लस क्या होगा आपका, ये दोनों येलो वाले H पॉजिटिव। और ये मैंने कहा मैं यहाँ भी समझा रहा था, इसलिए मैंने 2 से 3 बार समझा दिया कि किसी को न्यूट्रलाइजेशन की बेसिक प्रोसेस में कोई समस्या ना आए। अब कोई क्रॉस क्वेश्चन हो पूछे फोर दीजिए, कोई डाउट हो तो देख लें एक बार बोले। यहाँ तो कोई कोई समस्या नहीं, क्वेश्चन की टिवा नहीं आया इसमें। हाँ बोले बोलो बोलो। नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं, जब तुम्हारा नेटवर्क सही हो जाए तब तुम पूछ सकते हो। हम एक और प्रॉब्लम पे जाते हैं, इसमें ध्यान देखें। अगली बार मैं चलूंगा, मैं जाता हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के और छोटे छोटे कुछ छोटे मोटे डिटेल्स पर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपसे कहती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स एन एसिड एंड बेस, ये आपको मालूम है। और सबसे खास बात, न्यूट्रलाइजेशन जो आपकी रिएक्शन है इसका नेचर कैसा होता है। सो नेचर इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन तुम्हें याद होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप किसे कहते थे, जैसे हमें याद दिलाए अभी आप डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर पढ़ रहे थे, दोनों बार मैंने कहा था चाहे आप एसिड में पानी मिला रहे हो चाहे बेस में पानी मिला रहे हो, ये जो मिक्सिंग ऑफ वाटर है द प्रोसेस इज नोन एज द डाइल्यूशन, और बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं दैट्स वाई द हीट इज इवॉल्व्ड, और ये प्रोसेस आपके लिए कहलाती है एक्सोथर्मिक, यानी जिसमें हीट इवॉल्व होगी। इसी टाइप से एक आप छोटी मोटी मैंने कहा चीज़ें देखेंगे तो हीट इवॉल्व होगी इन इन सारी रिएक्शंस में। अब देखें यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्या कहेगा, HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O बनेंगे। अब इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है ज़रा देखें, उसकी आपको वैल्यू भी दी है, यहाँ आपको दिया है 57.1 किलो जूल, और किलो जूल का मीनिंग बता देता हूँ क्योंकि का आपको याद नहीं हुआ, किलो का मतलब होता है 1000, ये तो याद है, किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, को एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, है एक किलोमीटर में 100 मीटर, किलोमीटर किलो का मतलब ही 1000 होता है एक्चुअली, याद करो किलो हम कई जगह इस्तेमाल करते हुए आए होंगे, इसलिए ने कहा किलो जूल की जब बात कर रहे हो मतलब इस रिएक्शन में, चूंकि ये बता रहे हैं रिएक्शन दोबारा इसलिए लिए रिएक्शन तो पुरानी है, ये तो ये बताया जा रहा है एक्सोथर्मिक है, हीट डेवलप होती है, और एक सबसे खास बात अच्छी खासी हीट डेवलप होती है, 57.1 किलो जूल का मतलब होगा, चलो मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब होगा 57.1 इंटू 1000 जूल, किलो जूल मतलब ये, यानी कितनी निकल आएगी, चलो 0.1 छोड़ो, 0.1 की एक्यू तो वैसे अपन नेगलेक्ट कर देते हैं, मैं मान के चलता हूँ लगभग लगभग कितने जूल डेवलप होंगे, 57,000 जूल डेवलप होंगे एक मॉलिक्यूल से, ये कितने मॉलिक्यूल है लिख रहा होगा, एक मॉलिक्यूल है, और अगर आप एक बीकर लेंगे तो आपको मालूम है मिलियन बिलियन बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, समझ में आ रहा होगा हीट अच्छी खासी डेवलप होती है, नॉर्मल ऐसा समझ लो छोटी मोटी भयानक हीट डेवलप होती है, यही डाइल्यूशन में भी कहा था, जरा सा पानी डाल दोगे एकदम से आपका स्प्लैश हो जाएगा सॉल्यूशन या बीकर ही टूट जाएगा, ये वैल्यू समय दिखाया है इसीलिए। और भी एक आध रिएक्शन देखें, उनमें भी यही एग्जाम्पल आपको देगा, जैसे HNO3 और KOH, चलो अंदाज लगाते हैं HNO3 और KOH में क्या बनेगा अपने आप दिख जाएगा, इसमें आपका ये H और ये हो गया आपका OH, H और OH तो क्या चीज़ बन गए, पानी बचा हुआ नजर आ रहा है, क्या चीज़ बनेगी कि नहीं नजर आ रही, देखना जरा दिख रही है KNO3 बिल्कुल सही दिख गए दोनों, देख ले रिएक्शन KNO3 बनेगा प्लस आपका, अरे
इसमें टाइप की बस्ती ज़्यादा है, करवाना पड़ेगा एक बार। प्लस H2O और अब प्लस कितनी आ रही, वही 57 पॉइंट किलो जूल आपको दिख जाएगा। अब ये समझ में आते हाँ, ये वैल्यू सेम होगी हर, ये वैल्यू ज़्यादातर हम बता दें जिनमें सिंगल वो बनता है, इनमें वैल्यू सब में सेम आती है, जिनमें H2O सिंगल मॉलिक्यूल बनेगा एक, उनमें सारी वैल्यू यही आती है। इसलिए दो रिएक्शन दिखा दिए कि आपको वैल्यू याद रहे, मोटे तौर पे 0.1 आप भूल जाए तो भी कम से कम इतना तो याद ही रहे, 57,000 या 757, सही है। अब एक नेक्स्ट बढ़ेंगे, ये मैंने क्या क्या चीज़ बताई, ये बता रहा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इनमें हीट इवॉल्व होगी, तो न्यूक्लिएशन का दूसरा एस्पेक्ट मैंने बता दिया। अब एक और एस्पेक्ट पर जाते हैं न्यूक्लिएशन के अगले, और न्यूक्लिएशन का अगला जो आप एस्पेक्ट देखेंगे उसको दिन देख लें। ये आपसे बताया जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, अपने सॉल्यूशन में कंप्लीट आयोनाइज हो जाते हैं, नो एनर्जी इज नीडेड फॉर देयर आयोनाइजेशन सिंस द एक्शन ऑफ बेस एंड एनायन ऑफ एसिड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन कैंसिल्स आउट कंप्लीटली द हीट इवॉल्व इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रही आपके लिए एच और ओ एच, कह रहा था एक मॉलिक्यूल जिसने लगा था आपका जवाब में, एक सेकंड में आगे कर देता हूँ, कौन सा ले लूँ, चलो ये लगा ठीक है। दिख रहा है क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कम्प्लीटली आयनाइज हो चुके हैं अपने सॉल्यूशन में, उनके लिए आपको अलग से एनर्जी देनी नहीं पड़ती, वो खुद ही टूटे होते हैं। यहाँ तो केवल एच और ओ एच क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं, जो कह रहा है क्या कह रहा है, सिंस द एक्शन ऑफ बेस एंड एनायन ऑफ एसिड ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन कैंसिल आउट कम्प्लीटली, एसिड और बेस के आयंस कम्प्लीटली आपके कैंसिल होते हैं, तो एक्चुअली रिएक्शन देखो ध्यान से, एच प्लस ओ एच नेगेटिव में कितनी एनर्जी निकल के आती है, तो ये अब आपको जवाब मिल गया। ये कहता एक जो H2O बनेगा सिंगल, उसमें आपकी कितनी एनर्जी होगी, 57.1। कभी किसी में दो या तीन बने तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वो बैलेंसिंग पर डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखना। अब आप कहेंगे ये दो और तीन कब बनेंगे, ये भी एक सवाल बन जाता है, तो मैंने कहा दो और तीन कब बनते हैं, जब आपकी बैलेंसिंग होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हम ले लें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और मैं ले लेता हूँ सपोज करो H2SO4। इससे पहले कि आपको डाउट हो मैं पहले उसको दिखा देता हूँ। अब जरा देखो इसमें क्या बनेगा, पहले तो सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है ना, सॉल्ट बनाना ज्यादा आसान है। ये बन गया CSO4 दिख रहा होगा। अब सवाल है H2O कितने बनेंगे बताओ, नहीं तीन नहीं दो बनेंगे, देखो ध्यान से, बगल में रख दो बेटा, बगल में रख दो उसको, दो आपके H2 हैं और दो ही OH हैं, एक H एक OH से पानी बनता है, तो कितने बनेंगे, बैलेंस करोगे। अब इसमें जो एनर्जी निकलेगी वो मुझे बताओ कितनी निकलेगी, लगभग बताओ, मोटे तौर पे एकदम कैलकुलेट मत करो, रफली डबल ऑफ 57 मतलब समझ लो 50 का 100 और 7 का 14 114 पॉइंट ऑन छोड़ो, अभी रफली कह रहे हैं ना, मोटे तौर पर अंदाजा लग जाएगा। इसमें कितनी निकल आएगी, आपकी निकल आएगी 114। ये अगर तीन या चार होते उसके हिसाब से होता, तो ये बैलेंसिंग पर डिपेंड करेगा कितने HOH बन रहे हैं। आप एक नेक्स्ट जाते हैं स्वाद, आप देखेंगे अगले नंबर में आप बढ़ेंगे, पीयूष ये वीडियो चेक कर बन रहा है कि नहीं। नेक्स्ट आप जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लिएशन, सवाल आता है जो आप न्यूक्लिएशन रिएक्शन पढ़ रहे थे इसके आपके कोई एप्लीकेशन भी हो सकते हैं, तो याद करो न्यूट्रलाइजेशन का एक एप्लीकेशन मैंने पिछले टर्न पर दिया था, जब आप बेस कैबाउट पढ़ रहे थे मैंने आपसे एक नाम लिया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, किसी को याद है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने क्या बताया था या क्या होता था, किसी को याद हो, एसिड को न्यूट्रलाइज करने काम में आता है, आप बिल्कुल सही है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी याद आएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया था आपका
और आपसे कहा गया था कभी पेट में एसिडिटी होगी तो एसिडिटी के अगेंस्ट आप क्या करेंगे, एसिडिटी हो रही है, एसिड बन रही है, इसको आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तो आप क्या करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप पीते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप डायरेक्ट पी नहीं सकते, कड़वा लगता है भैया, बेस का टेस्ट ही बिटर होता है। तो मार्केट में जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है वो अलग अलग कंपनियों के नाम से आता है, वो नहीं बताएंगे कि इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एंटा एसिड के नाम से आते हैं वो। आप देखेंगे आपको शीशियों में मिलेंगे, गुलाबी, ग्रीन या लेट इट बी येलो, आदमी आप उसको पियेंगे तो आपको उसमें चूंकि शुगर मिक्स होती है, एसेंस मिक्स होते हैं, तो पाइनएप्पल फ्लेवर या मैंने कहा वेनिला या मैंगो फ्लेवर जो भी होगा वो इसलिए करते हैं ताकि आदमी आसानी से पी जाए। बट होता क्या है एक्चुअली, बेसिकली अंदर से देखोगे तो केमिकल के तौर पे क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आओ देखो वो आपको आपको यूज मिल जाएगा। ये आपसे कहता है पीपल पर्टिकुलरली ऑफ ओल्ड एज सफर फ्रॉम एसिडिटी प्रॉब्लम्स इन द स्टमक व्हिच इज कॉज्ड मेनली ड्यू टू द रिलीज ऑफ एक्सेसिव गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूस याद है, गैस्ट्रिक जूस में HCl होता था, कंटेनिंग HCl द एसिडिटी इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एंटा एसिड टैबलेट्स, या तो टैबलेट या मैंने कहा लिक्विड, तो जल्दी फायदे के लिए आदमी लिक्विड लेता है, विच कंटेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा और या फिर कौन सा होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये क्लियर हो जाता है, फायदा बताएं। अब एक छोटी चीज और, अगर मान के चले आपको चींटी काट लेती है या ऐसा कुछ होता है तो फिर आप बताएं उस जगह पर आप क्या लगाएंगे। कभी ऐसा होता है घर में चींटी काट ले बहुत जोर से, या बीज कोई हमने कहा ततैया या ऐसा वो मतलब मधुमक्खी डंक मार दे, क्या करते हो? क्या चीज लगाते हैं सर? ये जो वगैरह लगाते हैं ना, आयोडेक्स वगैरह? नहीं, आयोडेक्स वगैरह नहीं लगाई जाती, आयोडेक्स तो चोट में लगाएंगे। लोहा किसके लगा देती है, सही कह रहे हैं। और बताता हूँ लोहा किसने से अच्छा बता दे, साबुन लगा लीजिएगा, टूथपेस्ट लगा लीजिएगा, सबसे अच्छा होगा अगर घर में चूना हो, समझ आ रहा है, चूना लगा दे बेस्ट रहेगा। आप पूछेंगे क्यों, आपको याद है जब हमने स्टिंग ऑफ बीज और आंट्स पढ़ रहे थे शुरू में, एसिड मैंने कहा था फॉर्मिक एसिड किसमें मिलती है, चींटियों और ऐसे इनमें जब ये काटते हैं तो ये क्या करते हैं आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं। फॉर्मिक एसिड क्या करती है, जलन, दर्द और जो रिएक्शन होगी बॉडी की तो फिर सूजन ऐसी चीजें आती हैं। अब तुम्हें इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज कैसे करोगे, बेस से। तुम्हें याद है मेटल्स एसिड से रिएक्ट कर जाती हैं, इसलिए आपकी मम्मी लोहा किसके लगा देती है, तो मालूम है आयरन क्या काम करेगा, एसिड से रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। उससे भी बेहतर मैंने कहा अगर लोहा घिसना नहीं चाहते तो मैंने कहा साबुन लगा देना, साबुन भी आपके बेसिक होते हैं। दूसरा मैंने कहा घर में चूना पड़ा है बेस्ट है, चूना क्या हल्का सा लो, हल्का सा गीला करना पानी, और अगर ना पानी के साथ इसलिए ताकि थोड़ा सा स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि वो डंक तो उसने अंदर मारा होगा ना तो एसिड तो अंदर हो जाती है, और रब करेंगे तो आपको काफ़ी रिलीफ इसमें मिलेगी। ये कारण आपको ध्यान जाएगा कैसे, द स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स कंटेन फॉर्मिक एसिड, दिख रहा है बीज और इनके आंट्स के क्या कंटेन करते हैं, फॉर्मिक एसिड, इट्स कोरोसिव एक्शन एंड पॉइजनस इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज। इसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय रबिंग सोप विच कंटेन्स NaOH, और कोई नियम नहीं है केवल सोप। जैसे मैंने कहा दूसरा मैं क्या करता, चूना, चूना आप तो मालूम है चूना अपन किसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या मैंने कहा आप आयरन लोहा घिस देते हो, लोहा आयरन भी आप देखेंगे मेटल है वो भी आपकी रिएक्ट करेगी। अब अगला स्टिंग ऑफ वास्प, वास्प माने मालूम है भौरा, देखा है किसने, नहीं देखा पहले ये बताओ। भौरा हम कहते हैं काले रंग का ऐसा मोटा सा गोल गोल टाइप का बिल्कुल पत्थर सरी का कड़ा सा होता है। अब शहरों में तो ये हम बताते हैं देखने बहुत कम मिलते हैं, शहरों में तो तुमने तितली नहीं देखी होगी कभी छोड़ बटरफ्लाई मैंने देखा है ना, मैंने कहा शहर में मैंने भी देखा है। इसकी खास बात है वैस्प में उल्टा होता है, ये ध्यान रखना, इसलिए इसका एग्जांपल दिया है, इसको मधुमक्खी मत समझ लेना, इसके कंटेन करते हैं एल्कली। अब समझ आ रहा है, इसके लिए उल्टा करना पड़ेगा, अगर कभी बाय द वे ये काट ले
तो नींबू का रस घिसना, बताओ क्यों? समझ आ रहा है? क्योंकि उनमें क्या था, चींटी में एसिड थी तो चूना घिस रहे थे, इसके में एल्कली या बेस है, इसमें क्या घिसोगे? एसिड। तो एसिड तो सबसे अच्छा है, सिरका रखाओ घर में, विनेगर, नहीं तो नींबू रखाओ, ऐसी आप कोई चीज लगाएं, इमली रखी हो, सब आपके काम करेंगे। क्या कह रहा है? एल्कली एंड इट्स पॉइजनस इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाई एन एसिड लाइक एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर, या और भी कोई विनेगर, सिट्रिक एसिड उठा सकते हो, और भी इस टाइप खट्टी चीज कोई भी। और जाएंगे फार्मर्स, किसानों पे आप जाएंगे, आपने ध्यान दिया होगा किसानों में, जब आपने ध्यान दिया होगा गाँव में कई बार हम फसलें लेते हैं और लगातार फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ध्यान रखना मैन्योर की बात नहीं कर रहा है, लास्ट ईयर पढ़ चुके हो, फर्टिलाइजर्स केमिकल्स, ये केमिकल चूंकि नाइट्रेट सल्फेट और फॉस्फेट होते हैं, ये तो मालूम है लास्ट ईयर से, जब आप इनको लगातार डालते रहते हैं तो कुछ पार्ट पौधे लेते हैं, कुछ पार्ट जमीन में रह जाता है, धीरे धीरे साल दो साल चार साल में धीरे धीरे फॉस्फेट या नाइट्रेट एक्यूमुलेट होंगे। खेत है तो आप पानी भी डालते हैं, आपने ध्यान दिया नाइट्रेट जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्रिक एसिड बनाएगा, फॉस्फेट जब पानी के साथ एक्ट करेगा तो फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा, सल्फेट जब पानी के साथ एक्ट करेंगे तो डिजॉल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। मतलब क्या होगा, आपकी खेत की मिट्टी धीरे धीरे एसिडिक होने लगती है, जब एसिडिक होने लगती है तो अब क्या होगा, जब आप बीज डालेंगे तो आपका ध्यान जाएगा आधे से ज्यादा बीज वैसे ही खत्म हो जाते हैं, इसलिए अब आप घर में कभी पूछेंगे तो आदमी बताएगा कि अगर खेती करते समय आप फर्टिलाइजर्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा थोड़े से डाल रहे हो कि प्लांट ने सारे खत्म कर दिए, बाकी बह बहा के खत्म हो गए, तब तो ठीक है, अगर आप फर्टिलाइजर ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो शुरू के दो तीन साल तो क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता है, क्यों, पौधों को बढ़िया मिलते हैं तो पौधे लहलाते हैं, और दो तीन साल बाद फसल खराब होती है और पांच छह साल बाद तो मिट्टी खत्म हो जाती है, सेलाइन आपकी के लिए कहलाती है, सेलाइन यानी लोग कहते हैं बंजर हो गई, क्या हो गया, बोले खारी हो गई, एक्चुअली उसका मतलब क्या है कि उसमें एसिडिक एनवायरनमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि अब बीज डालोगे तो छोटे जो पौधे हैं उनकी जड़ें वैसे ही खत्म हो जाएंगी, बेचारे बढ़ ही नहीं पाते। अब ऐसे केसेस में आपने ध्यान दिया होगा किसान अपने खेत की मिट्टी टेस्ट कराता है सॉयल लैब्स में, सॉयल लैब में जब टेस्ट कराओगे तो बताते हैं कि एसिडिक ज्यादा है, और एसिडिक ज्यादा है तो बोले इसका इलाज क्या करें, बहुत सिंपल सा इलाज बताते हैं, बस ये वो कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी ज्यादा एसिडिक है, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि इतने किलो आप जो है वो चूना ले लें, और चूना लेके चूना पत्थर उसको पीस के या कहते हैं टुकड़ों के फॉर्म में डालते हैं पूरे खेत में, और उस बाद हल चलाते हैं। अब तुम कहोगे चूना क्यों, बताओ चूना क्यों, बताओ फुर्ती से, अगर आपकी सॉइल एसिड का एक ही इलाज है, बेस डाल के उसको न्यूट्रलाइज करोगे, और सबसे सस्ती बेस क्या आएगी, क्योंकि अपन खेत में है तो बेस के तौर पे सबसे सस्ता आप देखेंगे चूना ही पड़ेगा। तो ये समझ में आता है, लिखा है फार्मर्स जनरली न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी इन द सॉइल, कैसे करते हैं, बाई एडिंग स्लैग लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू द सॉइल। अब ये मुझे लगता है कंप्लीट आपको समझ में आ जाना चाहिए। हाँ सर, ऐसे हम मतलब जो हमारी वेडन लैंड हो जाती है जिनको हम यूज कर सकते हैं, फिर इंडिया में तो ऐसी बहुत बहुत ज्यादा लैंड है, तो हम उनको ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के उनको भी तो हम डिपेंड करता है, डिपेंड करता है किस वजह से हुई है, ये वो ये उसकी बात कर रहा था जो फर्टिलाइजर्स के यूज से एसिड की वजह से हो गई है, कोई ऐसी होगी कि वहाँ के सॉल्ट जो है, क्योंकि मिट्टी है सॉल्ट नेचुरल भी प्रेजेंट होते हैं किसी भी मिट्टी में, सोचो सॉल्ट पहले से ही बेसिक सॉल्ट प्रेजेंट हो, एल्कलाइन हो, उल्टा तुमने चूना डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए ये जो आप कह रहे हैं ये क्या किया जाता है ना, ये इस पर डिपेंड करता है किस टाइप का नेचर है, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। कुछ सॉयल ऐसी होती हैं जिनमें पॉइजनस सॉल्ट पाए जाते हैं, पॉइजनस सॉल्ट का ध्यान देखना, पॉइजनस सॉल्ट ना एसिडिक है ना बेसिक है, केवल क्या है जहरीले, उनमें आप डालेंगे तो प्लांट के लिए जहर का काम करते हैं वैसे ही मर जाते हैं, उस मिट्टी का आप यूज नहीं कर सकते। इसमें उन्होंने कहा था डिपेंड करेगा मिट्टी में किस चीज की गड़बड़ है उस पर भी डिपेंड करेगा। हाँ, जो इस वजह से एसिडिक होने की वजह से जमीन खराब हो रही है, जैसे जो खेत खराब हो जाते हैं उनमें फसल देना बंद कर देते हैं, तो लुवाक सलाह देते हैं कि एक बार आप इसकी जांच करा लें
और कई बार देखा होगा, कई बार टीवी पे और इससे कृषि से रिलेटेड आते हैं ना एग्रीकल्चरल प्रोग्राम, उसमें भी हमेशा एडवाइस देते हैं कि अपनी मिट्टी की टाइम टू टाइम जांच जरूर कराते रहें। क्यों कराते रहें? उससे आपको ये पता चलता रहेगा कि हमारी इस समय सॉइल क्वालिटी क्या है, एसिडिक हो रही है, बेसिक हो रही है, या कोई और पॉइजनस सब्सटेंस तो डेवलप नहीं हो रहा, ये जरूर। तो ये मैंने कहा इन सारी जाँच, जिसने कहा था हर बीमार का इलाज एक ही नहीं होगा, अलग अलग बीमारियों के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है ना। चले अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आते हैं, ध्यान से देखें, और ये इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करेंगे पीएच स्केल। आए पहले मैं इसके अबाउट पीएच स्केल के अबाउट थोड़ा सा इधर डिस्कशन करता हूँ, फिर स्लाइड को हम पढ़ते हुए जाएंगे। जब आप पढ़ रहे थे तो आपने एक नाम सुना था बीच में, आपने एक क्वेश्चन कर दे पीएच क्या होता है, तो पीएच के अबाउट बताता हूँ, ध्यान से देखें। हम यहाँ पर बात करेंगे पीएच वैल्यू या पीएच स्केल की। पीएच अगर देखोगे तो पीएच एक्चुअली कहलाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ध्यान से देखें, जब आप कोई भी एसिड लेते हैं, एसिड्स के लिए मैंने आपसे कहा था एसिड्स स्ट्रांग हो सकती हैं, एसिड वीक हो सकती हैं। जब स्ट्रांग और वीक है तो एक फेनोमेना ये भी आएगा ना कि वीक मतलब कितना वीक और स्ट्रांग मतलब कितना स्ट्रांग, तो कहीं ना कहीं एक क्राइटेरिया होगा, ये कम वीक है, ज़्यादा वीक है, कम स्ट्रांग है, और ज़्यादा स्ट्रांग, और ज़्यादा स्ट्रांग एंड देन दी स्ट्रांगेस्ट। जैसे हम लोगों ने मेटल्स की एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई थी, वो यही पावर ऑफ द मेटल्स बताती है, सबसे स्ट्रांग मेटल कौन सी है, पोटेशियम, सबसे वीक मेटल मान के चलो कॉपर है फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये जब आप देखते हैं तो किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ किस बात से पता चलेगी, आपको मालूम था हमने डेफिनेशन दी थी, कोई भी एसिड एक्वस सॉल्यूशन में जितने एच पॉजिटिव आयंस रिलीज कर रही होगी वही उसकी स्ट्रेंथ मानी जाएगी। ज्यादा आयन मतलब स्ट्रांग एसिड, कम आयन मतलब वीक एसिड। तो इसका मतलब दिख रहा है कहीं ना कहीं जितने एच पॉजिटिव आयन दे रही होगी वही कहीं ना कहीं उसकी पावर या स्ट्रेंथ बता रहे होंगे। तो इसलिए स्ट्रेंथ बताने के लिए हम यही स्केल इस्तेमाल करते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी कि पीएच वैल्यू या पीएच स्केल कहलाती है। तो पहला टर्म समझ में आता है, बेसिक कंसेप्ट आया ना, मुझे बताएं इसमें कोई डाउट है, बोले फुर्ती से, कितना समझ आ जाता होगा, तो उन्होंने कहा पुराना ही है। अब डेफिनेशन क्या है किसी भी सॉल्यूशन की, ध्यान देखना पीएच वैल्यू होती क्या है, तो पीएच वैल्यू ली जाती है, ध्यान देखना, नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन। जितने भी एच पॉजिटिव आयंस हैं, कितने एच पॉजिटिव आयंस हैं उनका नेगेटिव लॉगरिथम ली जाती है। लॉगरिथम पे आप जाएंगे तो लॉगरिथम आपकी होती है मैथमेटिकल एक ऑपरेशन। तो मैं इसको हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ, हालांकि आपका सिलेबस तो कहता है कि लॉगरिथम ना डिस्कस किया जाए, डायरेक्ट बता दिया जाए, लेकिन आपके मन में रहेगा तो मैं इसको बताता हूँ, बहुत ध्यान से ना देखिएगा। जब यहाँ लॉगरिथम की बात आती है कि आखिरकार लॉगरिथम क्या है, तो देखो मैं एक सिंपल सी चीज लिखता हूँ, जरा देखना आपका मान के चले, मैं लिखता हूँ 10^2 होता है 100, और ऐसे ही आपसे कहा जाता है 10^3 होता है 1000, तीन एग्जाम्पल लिख देता हूँ, और 10^4 आपको मालूम है ये होता है 10,000, ये जनरल कैलकुलेशन तो मालूम है। ये जो कैलकुलेशन है ये आपकी एक्सपोनेंट कहलाती है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, जो ऊपर मैंने लिखा है ये आपके लिए ये 2, ये कहलाता है एक्सपोनेंट, ये तो पढ़ा हुआ है ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, और ये 10 आपको मालूम है ये आपके लिए कहलाती है बेस। ये जानकारी तो है भाई, जब बेस और एक्सपोनेंट आते हैं तो ये जो फॉर्मेट है 10 की सेकंड पावर या सेकंड एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी होती है 100। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे पूछें, ये जो आंसर मान के चलो मैं पूछूं विच पावर, तो विच पावर शब्द का जो आंसर है ये जिस टर्म में आता है, ये आता है लॉग। अब ध्यान से मुझे देखना एक बार में, मैं आपसे कहता हूं लॉग 100 टू द बेस 10। अब इस स्टेटमेंट को 10 और 100 का रिलेशन दो बार में यहां से समझना, मैं यहां लिख देता हूं, आपको मालूम है 10 की सेकंड पावर 100 होती है, तो लॉग क्या बताता है, लॉग एक्चुअली किस क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किया था, विच पावर। जैसे मैंने कहा लॉग 100
100 और बेस लिया मैंने 10, मतलब ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है 10 की विच पावर, कौन सी पावर 100 है, तो 10 की कौन सी पावर 100 है, तो मालूम है कौन सी पावर होगी 2। क्या भी समझ में आता है। और देखो एक एग्जांपल अगली बार, मान के चले आप लिखते हैं log 1000 टू द बेस 10, यानी 10 की विच पावर, कौन सी पावर 1000 होगी, बताओ 10 की कौन सी पावर 1000 होगी। देखें क्या है लॉग का हल्का सा मीनिंग समझ में आया, हाँ या ना बताएं, देखें आराम से बोले। यस सर। ठीक है, और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 10 से हटके देता हूँ, उस एग्जांपल को देखिएगा। मान चले मैं आपसे कहता हूँ इसकी वैल्यू बताओ, बताएं और किसको समझ में आया इनका आंसर 3 सही है गलत है, क्या कह रहे हैं, सही है क्या? यस सर 3 सही है। कैसे सही, ध्यान दे रहा है, ये पूछ रहा है विच पावर ऑफ 2 इज 8, तो विच पावर ऑफ 2 इज 8, तो ये तो मालूम है ना 2 की पावर 3 बराबर 8 होती है, सिंपल पूछा था इतना तो मालूम होगा ना। और यही मान चलो ये क्वेश्चन हो जाता है सपोज करो, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाता, फोर हो जाता, समझ में आ गया। अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगली चीज देखें ध्यान से, एक मजेदार बात आपको नजर आएगी। अब इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट दिखाता हूँ, आप जो ले रहे थे आपको दिख रहा था लॉग, ध्यान देखना मैं दो तीनों चारों दिखाऊंगा, लॉग 10 और आप कह सकते हैं लॉग 100, एक्चुअली लॉग 100 ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यहीं से समझ में आ जाएगा लॉग 100 का मतलब है, नहीं आया विच पावर ऑफ 10 इज 10 रेज टू पावर 2, अरे ये क्या क्वेश्चन हुआ, तो क्वेश्चन नहीं आंसर हो गया, 10 की कौन सी पावर 10 की पावर 2 होगी, तो अपने आप दिख रहा है 2 होगी ना, तो हकीकत में यही आंसर हो जाएगा अगर तुम इसको पावर फॉर्म में सोच लोगे। अगला दिखाता हूँ 10 रेज लॉग 1000 वाला, अगर आप दिमाग लगाते तो आप कहते लॉग 1000 को हम लिख सकते हैं लॉग 10 और ये मैंने लिख दिया 1000 का मतलब। अब 10 की कौन सी पावर 10 रेज टू पावर 3 है, ये क्या पूछना, मतलब क्वेश्चन में ही आंसर हो गया 10 की कौन सी पावर 10 की पावर 3 है, 3 डायरेक्ट आंसर निकल आते हैं। ऐसे ही यहां देखो जो आप बता रहे थे, देखो वो भी यही है लॉग 2 8 का मतलब आपको मालूम है, मैंने कहा था ना आपको अगर ये मालूम है 2 की पावर 3, तो देखो ध्यान से यही तो क्वेश्चन है 2 की कौन सी पावर 2 की पावर 3 है, तो अपने आप दिख गया 3, मेरी बात समझ में आ गई। इस ढंग से ध्यान देखना, अगर आप देखोगे हम क्या करते हैं सेम बेस कन्वर्ट करके जैसा ये है यहाँ चेक कर लेते हैं पावर क्या आ रही है, वही आंसर होती है, इसलिए हमें कोई बहुत ज्यादा सोचना समझना नहीं पड़ता। अब पीएच की वैल्यू आपको ध्यान जाएगी, पीएच का मतलब समझ में आता है पावर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस होते हैं, वैल्यू क्या होती है माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन। जब आप एच पॉजिटिव आयंस के कंसंट्रेशन में जाते हैं तो इसको देखें जो करता है स्ट्रेंथ आप इस टर्म्स में मेजर करेंगे, क्योंकि एच पॉजिटिव आयन कम है या ज्यादा यही आपको बताता था स्ट्रेंथ के अबाउट, बस ये आपकी डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन आपसे कहती है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस कैन बी मेजर्ड ऑन पीएच स्केल, किसी भी उसकी आप स्ट्रेंथ जो है वो पीएच स्केल पर मेजर कर सकते हैं। अब चमक तो नहीं रहा, मैंने नीचे ले लिया है। पीएच स्केल क्या है, अ स्केल ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 14, इस स्केल पर हमारी नंबरिंग कहां से कहां तक होती है 0 to 14 तक, ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड या बेस, चाहे एसिड की नाप रहे हो चाहे बेस की नाप रहे हो, जिसमें नापोगे वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी पीएच। क्या होता है पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयंस या एच थ्री आयंस, क्योंकि पहले टर्न पे ही बताते थे एच पॉजिटिव आयंस पानी से रिएक्ट करके एक कंबाइंड आयन बना लेते हैं और कंबाइंड आयन हाइड्रोनियम आयन के नाम से जाना जाता है। अब अगली बात करते हैं, अगर हमें ये समझ में आता है कि आपका नेगेटिव लॉगरिथम है जो मैंने उधर दिखाया था, मैंने इधर दिखाया था ना एच
पीएच की डेफिनेशन आपकी क्या होगी, तो पीएच की डेफिनेशन आपकी ये रही, कहाँ था, इधर कहीं था, जी आप बताओ, नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। जब आप इसको ले लेते हैं, आए देखा ध्यान से आगे की तरफ जाते हैं, इसको अगर हम सिंपल वे में लेंगे तो आप कैसे बढ़ेंगे, ये आपके पूरा कंप्लीट हो गया। पीएच इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस लॉग ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन्स कंसंट्रेशन, यही डेफिनेशन मैंने आपकी लिखी थी। या आप कह सकते हैं जिसे एच पॉजिटिव आयन कुछ बुक्स कहेंगी, कुछ बुक्स क्या कह देंगी, एच थ्री ओ पॉजिटिव, तो ये भी आपको मालूम है, ये आपको बताया जा चुका है कि एच पॉजिटिव प्लस एच टू ओ ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एच थ्री ओ पॉजिटिव। ये कहाँ रेफर करेंगे, मैंने कहा इंडिकेटर्स के बाद जैसे ही एसिड की डेफिनेशन शुरू होती है पहली लाइन यही आती है। अब देखो ध्यान से, अगर एच पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन थोड़ी देर के लिए मैं मान के चलता हूँ, ये एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितना है, 10 रेज टू पावर माइनस 1 मोल पर लीटर, 10 रेज टू पावर माइनस 1 यानी 0.1, 10 10 माइनस 1 का मतलब तो पता है, 10 की पावर माइनस 1 का मतलब होगा 1 बाई 10 यानी कि 0.1, तो जो भी होंगे 0.1, 0.01, 0.001 ऐसे ही कम होते जाएंगे एच पॉजिटिव आयंस, तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 2 या 10 की पावर माइनस 3 एंड सो ऑन। अगर हम ऐसा लेते हैं जो है ना एच पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन, चलो यहाँ पे दिखाते हैं आप कितना लेते हैं, मान चले 0.1 ले लेते हो, 0.01 ले लेते हो, 0.001 ले लेते हो, बहुत है 3-4 दिखा देना, ऐसा कुछ भी लेते हैं, तो 0.1 का मतलब आपको याद है, इसलिए मैंने कहा था मैथोडिक्स ठीक हो, 0.01 को लिखोगे तो ये कितना लिखा जाएगा, 1/100 यानी 10 की पावर माइनस 2, इसको देखोगे इस तीसरे वाले को तब समझ आ रहे होंगे, 1/1000 यानी कि 10 रेज टू पावर माइनस 3, जो जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने वैल्यू यहाँ दिखा दी। और सबसे पहली वैल्यू पे चलते हैं, अगर हम मान के चले एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आपका कितना है, 10 माइनस 1, अब तो दिख रहा है पीएच क्या होगा, माइनस लॉग 10 माइनस 1। अच्छा अब इस चीज को फिर से देखें जो मैं आपको बगल में समझा रहा था, माइनस लॉग 10 माइनस 1 को जरा मैं हम इधर देखते हैं किसके लिए चल रहे हैं, इसी एक एग्जाम्पल को लेते हैं, हमने लिखा पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू क्या आपकी माइनस लॉग, और ध्यान रखना लॉग की बेस हम क्या लेते हैं 10, और मैंने कितना लिया एच पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन, ये डेफिनेशन है। अब जो भी आपने सेलेक्ट किया था, जैसे आपने सेलेक्ट किया था भी, हमने पहला वाला सेलेक्ट कर लिया, मान के चलो किसी सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयन कितने 0.1 लीटर मोल पर लीटर है, इसका मतलब आपकी पीएच वैल्यू कितनी आएगी, आपकी पीएच वैल्यू आएगी माइनस लॉग 10 एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू आप कितनी बता रहे हैं, 10 माइनस 1। आपने ध्यान दिया, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, 10 की कौन सी पावर 10 की पावर माइनस 1 होगी, ये क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन में ही आंसर है, अभी नहीं उस साइड मैंने दिखाया था 1000 और 28 करके कि 2 की कौन सी पावर 2 की पावर 3 है, तो आपने कहा था 3, उसमें क्या पूछना, तो 10 की कौन सी पावर 10 की पावर में होगी, तो ध्यान देखना है तो माइनस 1 ही आएगा, तो 1 माइनस ये वाला, और कौन सी पावर, तो ये पावर है, यानी आपको टोटल आंसर कितना मिल जाएगा 1। अब एक और एग्जांपल बताता हूं, मान चले अब की बार 3 वाला ले लेता हूं, ठीक है ना, मान चले आपका पीएच है सपोज करें माइनस लॉग, और जनरली 10 लिखा नहीं जाता, सिंपल इतना ही लिख देते हैं, 10 तो मान लिया जाता है कि वो है ही, आप लेते हैं सपोज करें यहाँ पर कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 3 यानी 0.001 आपने ले लिया, अगर 10 माइनस 3 ले लिया 0.01 वाला, डिपेंड करेगा कौन सा सॉल्यूशन है,
तो आप देखना आंसर कितना आएगा, ये माइनस, ये कौन सा वाला माइनस है, ये दिख रहा होगा ये वाला माइनस है, और साथ में ये आंसर, ये आंसर कितना आएगा, 10 की कौन सी पावर 10 की पावर -3 होगी, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप में आंसर ही है, यानी आपको कितना मिलेगा सीधा आंसर 3। अब आपको इस कंसंट्रेशन से अगर आप एक शॉर्टकट देखें तो अपने आप मिलेगा, जब 10 -1 है तो आंसर 1 आएगा, जब 10 -3 है तो आंसर 3 आएगा, जब 10 रेज टू पावर -7 है तो आंसर 7 आएगा। तो देखें क्या ये कैलकुलेशन समझ में आती है, हाँ ना बताएं। बताएं कोई डाउट हो तो मुझे पूछे, यानी वैल्यू एज्यूम कर रखी है, तो ये मत कहना यही क्यों नहीं हो, तो मैंने कुछ भी लिया है, जो भी 10 की पावर -1 -2 -3 -12 उनके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज निकलेंगी, क्या इनमें कोई डाउट है बोले सर? अगर +2 होगी तो +3। हाँ सर वही था, अगर प्लस में वैल्यू होगी तो वो माइनस में हो जाएगी, क्योंकि लॉग का माइनस होगा फिर। आप सही कह रहे हैं। तो मैं आपको अगली चीज बता देता हूँ, किसी भी सॉल्यूशन में जब आप मोल्स डालेंगे तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, एक मोल से कम होगी ना, और एक मोल से कम होगी तो पॉइंट में ही होगी, एक में दो कैसे डाल दोगे, पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, यानी आप जो कह रहे हैं 10 की पावर +1, 10 की पावर +1 का मतलब हो जाएगा 10, और 10 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 100, जबकि मैंने कहा था सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, पॉइंट्स में होगा, 0.1, 0.2, पॉइंट जो भी हो, 0.5, 0.05, 0.0005, इसलिए मैंने कहा था ये वैल्यूज नहीं होगी, वैल्यूज हमेशा कैसी होगी, पॉइंट्स में होगी, इसलिए मैंने पॉइंट्स दिखाए थे ना सबसे पहले, बस ये मैंने सिंपल ले लिए थे, जो भी 0.1, 0.01 कुछ भी हो, बाकी पर कुछ और रख दोगे 0.02 रख दोगे, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन और थोड़ी हमें चेंज करनी पड़ जाएगी, इसलिए मैंने कहा वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉइंट्स में ही होगी, और चूंकि वैल्यूज आपकी पॉइंट्स में है, चमक तो नहीं ना अभी तक, पॉइंट्स में होंगी, तो मैंने कहा ये आपका कैसा होगा, हमेशा पावर माइनस में आएगी, 1/10 ही होगा, 10, 100 और 1000 नहीं होंगे ना। सही है, आप इसी कैलकुलेशन को मैंने कहा यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, लगेगा यहाँ क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, लिखा है एच पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन अगर आपका 10 - 1 mole/L है, 10 - 1 का मतलब फिर बता दूं, 10 - 1 का मतलब हम कहना चाह रहे हैं, कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ, 0.1, 1 liter में कितने मोल सॉल्यूशन सॉल्ट आपने डाला है, 0.1, देन pH बराबर कितना होगा, -log 10 - 1, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, 1। अब तो सीधा पावर देखते हैं ना, 10 - 2 है तो आंसर सीधा कितना जाएगा, 2। क्या है समझ में आता है? अब जरा देखें ध्यान से, हम एसिडिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन कहने कहते हैं एसिड और बेस। अब फिर से एक छोटी चीज बताता हूं, उसको ध्यान से देखें, अगर आप कभी पानी लेते हैं, पानी काय से बना होता है, ये भी आपको पीछे न्यूट्रलाइजेशन में बताया था, पानी बना होता है एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव, यानी पानी में आपके H और OH बराबर होते हैं, इसीलिए पानी न्यूट्रल होता है। बाकी आप एसिड्स देखेंगे, एसिड में आपका ध्यान जाएगा, एसिड्स में कौन ज़्यादा होंगे, H पॉजिटिव ज़्यादा होंगे, और अगर आप बेस उठाते हैं तो बेस में कौन ज़्यादा होंगे, OH नेगेटिव ज़्यादा होंगे, या चलो हम ऐसा कह देते हैं H पॉजिटिव कम होंगे, तो वो ज़्यादा होगा, यानी ये कम होगा, तो H पॉजिटिव से ही कंपेरिजन कर लेते हैं, एसिड्स के लिए मानोगे जिनमें H पॉजिटिव ज़्यादा है, और बेस किसे मानोगे जिसमें H पॉजिटिव कम रह गए हैं, OH ज़्यादा है। बस अगर आपको ये समझ में आता है तो देखें आराम से इस कैलकुलेशन को देखिएगा, आपका एसिडिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन हमेशा याद रखना 10 - 7 mole/L से ज़्यादा होता है। ये जो कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, ये कंसंट्रेशन ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ है पानी के लिए, ये पानी का कंसंट्रेशन हमने चेक किया है कि H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन कितना होता है 10 - 7, और पानी कैसा है, न्यूट्रल, ना एसिड ना बेस। तो मैं कह रहा था एसिड कौन होंगे,
जिनमें एच पॉजिटिव आयन पानी से ज्यादा होंगे, और पानी से ज्यादा होंगे मतलब एच पॉजिटिव आयन 10-7 से ग्रेटर हो। अब एक मजेदार बात बताता हूँ, अगर मैथमेटिक्स भूल नहीं गए होगे तो 10-7 से बड़ी वैल्यू 10-8 होगी या 10-6। मेरा क्वेश्चन है 10-7 से बड़ा कौन होगा, 10-8 बड़ा होगा कि 10-6? सर -6। -6 बड़ा होता है, समझ आ गया? नेगेटिव उल्टा चलते हैं, इसलिए ध्यान देखना एसिड्स के साथ क्या खास बात होगी। 10-6, 10-5 एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब -4, -3, -2, -1, ये वैल्यूज अगर आएंगी तो सॉल्यूशन आपका एसिडिक होगा। अब इसका मतलब ध्यान से देखो, अभी मैंने कहा था जो पावर आती है, अल्टीमेट शॉर्टकट मारते हैं, अभी बीच की कैलकुलेशन छोड़े, बीच की कैलकुलेशन आपको सिखा चुके हो तो मैथमेटिक्स थी। अब केमिस्ट्री पे आते हैं, जो पावर आती है उसी का पॉजिटिव करके, जो पावर है वही पीएच वैल्यू होती है। तो ध्यान देखो, पानी की पीएच वैल्यू दिख रही होगी, मैंने कहा था 10-7 क्या होता है पानी, यानी पानी की पीएच वैल्यू क्या होगी, फिर से यहाँ लिख देता हूँ, पानी का पीएच कितना होगा 7। अब एसिड पे जाओ, एसिड में वैल्यू कितनी आएंगी, 10-6, 10-5, 10-4, यानी एसिड के पीएच होंगे 6, 5, 4 एंड सो ऑन। अब बेस पे जाओ, बेस में क्या होगा, बेस में ओएच आयन ग्रेटर होंगे, एच पॉजिटिव आयन कम होंगे। तो अब 10-7 से कम वैल्यू बताओ, तो तुम कहोगे 10-8, 10-9 और ये सब, यानी 10-8 से जो पीएच निकलेगा वो 8 होगा, तो बेसिस का पीएच आएगा 8-9। यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, अब अगर हम एक समरी बनाए, अगर आपका पीएच 7 है तो ये आपका क्या है, पानी, और पानी से मेरा मतलब ध्यान देखना न्यूट्रल। अगर आपका पीएच 7 से कम है, 6, 5, 4, ये समझ में आ रहे होंगे, ये आपके कौन से हो जाते हैं, एसिड। और अगर आपका पीएच इससे बड़ा है, 8, 9, 10, तो ये हो जाते हैं बेस। अब इस चीज को एक मिनट में, इस कैलकुलेशन को आप चेक करें। कंक्लूजन आपसे क्या कहेगा, फ्रॉम द अबव फिगर्स हम किस बात पर पहुंचते हैं, फॉर ए न्यूट्रल सॉल्यूशन पीएच 7 होगा, फॉर ए बेसिक सॉल्यूशन, अगर आप बेसिक सॉल्यूशन ले रहे हैं तो पीएच आपका 7 से ज्यादा होगा, और अगर आप एसिडिक मीडियम ले रहे हैं तो फिर आपका पीएच 7 से कम होगा। क्या वे कहानी समझ में आती है, हाँ या ना मुझे बताएं, बताएं फुर्ती से। पीएच का भी पॉजिटिव नहीं होगा, यानी +7 वाला नहीं होगा। पीएच तो पॉजिटिव होगा, पावर पावर पॉजिटिव नहीं होगी, पीएच सारे पॉजिटिव आएंगे क्योंकि हमने लिखा है ना नेगेटिव लॉग, और एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जब पानी से कंपेयर करोगे ये पानी का है, तो यहाँ पावर नेगेटिव नहीं आएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। कैलकुलेट किया था ना यहाँ, देखो ग्राफ देखें, ये हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था साइड में। एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन है, उनकी पावर हमेशा कैसी हुई, 10-3, और नेगेटिव का मतलब 0.01, 0.02 पावर नेगेटिव आ रही है। पीएच आपका कैसा आएगा, पीएच हमेशा पॉजिटिव आएगा, डबल माइनस है, देखो ना -1, पीएच नेगेटिव नहीं होगा, समझ आ रहा है? इसीलिए आप देखेंगे पानी का जो हमने कहा था पीएच कितना आ रहा है 7, और पानी का पीएच 7 आने के बाद उसके कंपैरिजन में फिर जो बड़े लोग हैं -6, -5, इनसे पीएच 6, 5, 4 वो एसिड्स के हो जाएंगे, बेस के अपने आप समझ में आते हैं, -8 से 8, 9, 10, 8, 9, 10 वाले किसके हो जाएंगे, बेस के हो जाएंगे। अब इस टॉपिक को एक बार मैं आपसे कहूंगा, इसको ध्यान से, आपका शीट्स है, इस टॉपिक को आप एक बार शीट से पढ़ लें, इसलिए पढ़ लें क्योंकि इसमें आपको कहीं ना कहीं डाउट उभरेंगे, अभी नहीं, अभी तो समझ में आ रहा होगा, एक बार शीट से पढ़ो। मैं इसको कल, चूंकि आपकी क्लास पर अगले टर्म जो क्लास रहेगी उसमें मैं इसी टॉपिक को एक बार फिर से, बस ये फुर्ती से डिस्कस करूंगा,
शर्त ये बेटा आप एक बार शीट पढ़ के बैठें, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा इसमें अभी आपको डाउट नहीं निकलेंगे जब तक मैं सामने खड़ा हूँ। अब शीट पढ़ना तो डाउट होंगे क्योंकि मैथमेटिकल है, कहीं ना कहीं देखेगा अरे यार माइनस सेवन का प्लस सेवन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं यार रोका। मैंने कहा पहले उसको पढ़ो ताकि तुम पढ़ लो फिर मैं इसको बताऊँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक, यहाँ पर हम विराम ले लेंगे बस, इसके बाद तो आपके पीएच इंडिकेटर, पीएच के छोटे मोटे यूज और सीधे सॉल्ट्स पे आ जाएंगे। अब तो आपका छोटा चैप्टर का मामूली सा पार्ट बचेगा, ठीक है ना। ये सबसे टफ पार्ट बस यही है जिस पे अपन चर्चा करेंगे डिटेल में, प्रोवाइडेड दैट अगले टर्न में चर्चा तो मैं करूँगा ही, लेकिन बेटा करूँगा एक्चुअली उन्हीं से जो मैंने कहा एक बार इस पूरे के लिए आप अपनी शीट्स जो आपके पास पड़ी है उसको रेफर करें। इतना टॉपिक कम से कम इस पेज का पढ़ लो, अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं उनको कैलकुलेट करके देख लो ताकि तुम्हें या तो समझ में आ जाए, और या मैंने कहा दो चार जो छोटे मोटे डाउट हो रहे हैं उनको हम फुर्ती से क्लियर करें ताकि आप बिल्कुल साफ समझ में आ जाए। कोई दिक्कत है वो तो मुझे बताओ। नो सर।